Okay, students, so now we are going to answer our next exercise question of chapter number 7. The next question is 7.5. The statement of this question at your textbook is, what happens to the period of simple pendulum if its length is doubled? What happens to the period of the simple pendulum if its length is doubled? What happens if the suspended mass is doubled? What happens if the suspended mass is doubled? Okay students, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सिंपल पेंडुलम की अगर लेंथ डबल कर देते हैं तो उसके पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड पे. अगर उसका मास जो है डबल कर देते हैं तब भी उसके जो टाइम पीरियड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स वी नो दैट आंसर इसका हमने कुछ हिस्सा लिखना है. वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड T equal 2 pi L over G. Okay students, यहाँ पे according to condition हमारे पास L equal हम put करते हैं putting L equal 2L. So इस formula में जब हम 2L put करेंगे L की जगह पे तब हमारे पास time period जो T dash आ जाएगा वो आ जाएगा 2 pi 2L over G. स्टूडेंट्स इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 2 पाई ये 2 पाई जो 2 रूट है उसको सेपरेट निकाल के लिख लेंगे यहां पर बाकी रह जाएगा हमारे पास l ओवर g. स्टूडेंट ये देख सकते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं यहां पे t डैश इक्वल आ जाएगा हमारे पास रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई l ओवर g के. अब ये वाला फार्मूला हमारे पास t का था यहां पे हम लिख सकते हैं t डैश इक्वल रूट 2 इंटू टी. स्टूडेंट हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड का जो आफ्टर जब हम उसकी लेंथ डबल कर देते हैं जब उसकी हम लेंथ डबल करेंगे हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा डबल लेंथ करने के बाद वो ओरिजिनल टाइम का कितना प्रोडक्ट होगा उसका मल्टीपल होगा फैक्टर उसका फैक्टर ऑफ रूट 2 होगा उसका मल्टीपल ऑफ रूट 2 होगा. यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.4 टी. यानी कि हमारे पास जो है टाइम पीरियड जो है आफ्टर डबलिंग द लेंथ हमारे पास हो जाता है ओरिजिनल टाइम का मल्टीपल कितना 1.41. इसी तरह स्टूडेंट अगर हम देखते हैं कि उसका अगर हम मास जो है वो अगर डबल करते हैं सेकंड में है मास उसका हमने क्या करना है डबल करना है. तो स्टूडेंट हम दोबारा फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई L over G. उसने कहा है कि मास को क्या कर दो डबल कर दो. लेकिन स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहां पे हमारे पास कोई रिलेशन नहीं आ रहा मास का टाइम पीरियड के फॉर्मूले के अंदर. सो वी कैन से दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डबलिंग द मास ऑफ बॉब because from formula of period we can say that we can see that there is no relation of mass. Okay students, in this way we can answer this question. There if we double the mass there is no effect of doubling the mass of a bob because from the formula of the period we can see that there is this is there there is no effect or there is no relation of mass m. So in this way we answer this question. Okay dear learners, now we are going to solve our next exercise question or we are going to answer our next exercise question of chapter number 7. The next exercise question is 7.6. The statement of this question at your textbook is, does the acceleration of a simple harmonic oscillator remains constant during the motion? Is the acceleration ever zero? Explain. I repeat, does the acceleration of simple harmonic oscillator remain constant during the motion?
इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो? एक्सप्लेन स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है, क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या जीरो भी होता है, उसे हमने एक्सप्लेन करना है. आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है एक्सेलरेशन जो था उसका रिलेशन हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में. तो यहां पर लिखना है नो द एक्सेलरेशन डज नॉट remain constant because from given formula A is directly proportional to the negative distance or displacement from the mean position. So, now we can see that from this formula our acceleration of simple harmonic oscillator is directly proportional to the displacement from the mean position. So it means that our acceleration does not remain constant, it vary, it change with the position. Okay, so the x displacement from the mean position here A is the acceleration and x is the displacement or distance from the mean point, displacement from mean point or mean position. And another thing we can add in this question like this. Okay students, from this formula we can see that, or we can say that our acceleration is directly proportional to the distance or displacement from the mean position, and if the distance or displacement changes, the acceleration must be changed. And another part of this question is that does the acceleration ever is the acceleration ever zero? Is the acceleration ever zero? क्या acceleration जो है zero हो सकता है? Yes. And it will be zero when x is zero. When x is zero. So it implies that A is directly A is equal to constant. यहां पे सम कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी खत्म करके, ये नेगेटिव साइन. A is equal नेगेटिव कांस्टेंट इनटू x. ओके स्टूडेंट, जब हम जहां पे x जीरो पुट करेंगे, हमारा जो है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तब हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा. ओके, सो वी कैन से दैट इट विल बी जीरो व्हेन बॉडी इज एट, या बॉडी एन ऑब्जेक्ट, व्हेन द बॉडी इज एट मीन पोजीशन. जब बॉडी जो है वो मीन पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो जब डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट जीरो हो जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? जीरो. फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन सी दैट, और वी कैन से दैट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो आवर एक्सेलरेशन इज जीरो.